वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज्यादा यूजफुल हॉल वीडियो। तो गाइज, मैंने बहुत ही सारी साड़ी के हॉल वीडियोस अपने चैनल पे शेयर किए हैं, तो मैंने सोचा कुछ जो है मैं ब्लाउज भी आपके साथ शेयर करूं, जो कि होने वाली मस्ट हैव ब्लाउजेस जो आप काफी सारी साड़ी के साथ कंट्रास्ट में वियर कर सकते हैं। सभी साड़ियों के साथ मैंने वियर करने के लिए बहुत सारी ब्लाउज बाय की है और ये मोस्टली सारी अमेजोन से ही मैंने बाय की है। गाइज, कुछ आपको मीशो पे भी मिल जाएगी क्योंकि सेल जो है दोनों जगह ही चल रही है, तो हो सकता है साइज वगैरह आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आप मीशो पे भी बाय कर सकते हैं। मैं दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, कुछ तो मैं यूज भी कर रही हूँ और कुछ मैंने रिसेंटली परचेस किया है। साइज वगैरह का थोड़ा सा इश्यू हो गया है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा और वीडियो आज का आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। फर्स्ट ब्लाउज जो मैंने बाय की है बहुत ही ज्यादा सुंदर सी ब्लाउज है और ये है फ्रॉम द ब्रांड स्टूडियो सिंगार से, और इस समय ना अमेजोन में भी सेल चल रही है, तो ये सभी ब्लाउजेस मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई है। तो ये ब्लाउज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि कलर इसका मरून है और ये लाइट कलर की कोई भी साड़ी के साथ चल जाएगा। इसमें बहुत ही प्यारा सा जो है थ्रेड का काम किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा जो है कढ़ाई की गई है इसमें। ये आपको स्लीव्स में मिलेगी, नेक पार्ट में मिलेगी और नीचे की तरफ भी आपको मिलेगी। तो साड़ी का कोई डिफरेंट लुक, अगर कोई डिफरेंट स्टाइल आप बनाना चाहते हो ना, तो उसमें भी आपका नीचे का बॉर्डर ये दिखेगा। अच्छा, इसमें मैंने जो साइज मंगाया है ये मंगाया है 40 और फिटिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये विदाउट पैडेड वाला ब्लाउज है तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। अंदर की तरफ आपको कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग मिलेगी और इसमें जो हुक वाला पार्ट है वो बैक साइड में मिलेगा। इस तरीके से पूरा बोट नेक वाला इसका नेक का पैटर्न बना हुआ है, पीछे की तरफ आपको ये मिलेगा पूरा हुक। इस ब्लाउज में अंदर की तरफ आपको काफी कपड़ा ये दे रहे हैं और साथ में सिलाई भी एक दो मिल रही है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये मुझे 700 के आसपास मिली थी। कलर इसमें दो चार आपको मिल जाएंगे, साइज इसमें 44 तक अवेलेबल है गाइस। तो बहुत ही अच्छी सी ब्लाउज है, आप चाहो तो इस ब्लाउज को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलते हैं जो कि आपने मीशो पे भी देखी होगी और ट्रस्ट में मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल ब्लाउज है क्योंकि मैं इसे साड़ी के साथ भी वेयर कर चुकी हूँ और एक लहंगे के साथ भी मैं इसे कंट्रास्ट में वेयर कर चुकी हूँ। इतना सुंदर सा इसमें वर्क दिया हुआ है ना कि आप अपने लहंगे को भी कुछ डिफरेंट लुक देना चाहो तो इस ब्लाउज के साथ कंट्रास्ट में कोई और स्कर्ट आप वेयर कर सकते हो प्लेन, तो बहुत ही सुंदर लुक निकल के आएगा। मैंने इसे मस्टर्ड कलर की एक साड़ी के साथ वेयर किया था, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था लुक, इतना प्यारा सा इसमें काम किया हुआ है ना। अच्छा, ये मुझे पैडेड ब्लाउज मिली थी, मैंने इसके पैड रिमूव कर दिए क्योंकि मैं पैडेड ब्लाउज नहीं पहनती हूँ। तो ये आता है ब्लाउज का लुक, ये फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज आपको मिलेगा। फिटिंग मुझे बहुत ज्यादा सही लगी इसकी। अच्छा, इसमें जो मैंने अपना साइज लिया था 38 अल्टरेबल था और ये आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा। इसमें मैंने ना थोड़ा सा इसको लूज करवाया अंदर की तरफ, इन्होंने अच्छा खासा कपड़ा दिया था तो मैंने थोड़ा सा इसको लूज कराया, उसके बाद फिटिंग परफेक्ट आई है। बैक साइड का आप गला देखो कितना ज्यादा सुंदर है और साथ में आपको डोरी भी मिल रही है और ये जो फैब्रिक है पूरा वेलवेट का है, तो इसमें जो वर्क किया है ना काफी ज्यादा उभर के आ रहा है। कलर इसमें आपको काफी सारे मिल जाएंगे और मुझे तो ये ब्लाउज बहुत ज्यादा सुंदर लगा क्योंकि मेरी साड़ी के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है, तो ये ब्लाउज भी आपके वार्डरोब में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलते हैं और ये मैंने अमेजोन से बाय किया था और ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल निकला। इसे तो आपने काफी सारे वीडियोज में मेरे देखा होगा पहनते हुए, बहुत ही सुंदर सा सिल्क का ब्लाउज है, साथ में आपको ये पूरा जो है जरी का इसमें वर्क मिलेगा। इसमें भी मैंने अपना साइज जो है 40 ही बाई किया है और इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसमें एक और इतना ज्यादा मुझे ये पसंद आया ना कि एक और कलर मैंने इसमें परचेस किया था, क्रीम कलर। अभी मेरे पास वो ब्लाउज नहीं है क्योंकि मैंने उसको अल्टर करने के लिए दे दिया है, उसमें मैंने 42 साइज मंगा दिया था पता नहीं क्यों, तो मुझे काफी ज्यादा लूज हो गया था तो वो मैंने अल्टरेशन के लिए दिया है। इसमें मैंने 40 मंगवाया तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है और मेरे काफी सारी साड़ियों के साथ ये चला जाता है। डार्क मैरून कलर में आपको मिलेगा, फुल आपको जरी का काम मिलेगा और स्लीव्स में भी आपको बहुत ही प्यारे से गोटे की लेस मिलेगी और ये आता है इसका बैक का लुक। तो ये भी फ्रंट ओपन वाला ही ब्लाउज है, फ्रंट में आपको इस तरीके का नेक का पैटर्न मिलेगा, बैक साइड में आपको राउंड नेक मिलेगा और जो लोग डीप नेक पहनना प्रेफर नहीं करते ना उनके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा पैटर्न, ना ज्यादा डीप है ना ज्यादा छोटा गला है इसका, तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे ब्लाउज। और साथ में आपको डोरी भी मिलेगी, इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा कपड़ा देते हैं, ये इतना कपड़ा आपको मिल जाएगा। तो गाइस बहुत सुंदर सी ब्लाउज है और नीचे की तरफ भी आपको मिलता है ये लेस वाला पैटर्न। जनरली अगर हम ब्लाउज स्टिच करवाते ना नीचे तो कोई भी पाइपिंग नहीं देता है, लेकिन इसमें आपको पाइपिंग मिल रही है और ये भी मैंने 600 के आसपास परचेस किया था। कलर इसमें काफी सारे हैं गाइस, तो ये ब्लाउज भी मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगती है।
नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलती हूँ। ये भी सिल्क फैब्रिक की ब्लाउज है, कलर अब बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, मल्टी कलर ब्लाउज इसको कह सकते हैं, और ये भी आपकी काफी सारी साड़ियों के साथ जा सकती है। इसमें जो पैटर्न आएगा फ्रंट में आपको, ये भी फ्रंट ओपन वाली ही ब्लाउज है, वी नेक मिलेगा फ्रंट में। एक सेकेंड मैं आपको हुक बंद करके दिखाती हूँ। तो इसमें भी ना आपको फ्रंट में ये वी नेक मिलेगा और पीछे की तरफ ये राउंड नेक मिलेगा, ज्यादा डीप नहीं है बैक साइड में। और ये आता है पूरा ब्लाउज का लुक। ब्लाउज में ना हल्का हल्का सा आप देख सकते हो सीक्वेंस का, इस तरीके से शाइनिंग करेंगे तो सीक्वेंस का वर्क भी किया हुआ है। बाकी ब्लाउज पीस का कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, इसमें फुल ऑल ओवर जो है प्रिंट वर्क दिया हुआ है, और इसकी फिटिंग भी मुझे काफी सही आती है। ये भी काफी सारी साड़ियों के साथ जा सकता है क्योंकि कलर इसमें काफी सारे दिए हैं। अंदर की तरफ आपको कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग मिलती है। अच्छा, इस ब्लाउज में ज्यादा अंदर की तरफ कपड़ा नहीं है, इतना ही पार्ट आपको मिलेगा, और साथ में दो तीन सिलाई भी इन्होंने दी हुई है। तो ये ब्लाउज भी काफी ज्यादा अच्छी है गाइस। इसमें भी दो चार कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और मैंने ये ब्लैक के टच में बाय किया है, तो ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलते हैं, और ये आएगी बोट नेक के साथ। कलर मैंने डार्क पिंक इसमें बाय किया है, और ये भी पूरा जरी फैब्रिक की ब्लाउज आपको मिलेगी। पूरा ऑल ओवर ब्लाउज में इस तरीके का जो है जरी वर्क दिया हुआ है, और फैब्रिक जो आएगा इसका सिल्क में ही आएगा। अंदर की तरफ आपको कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग मिलेगी, और इसका जो हुक है वो बैक साइड में मिलेगा। बेसिकली ये बोट नेक वाला इसमें पैटर्न बना हुआ है, पीछे की तरफ आपको पूरा हुक वर्क मिलेगा। तो इसमें भी आपको काफी सारा कपड़ा मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से लूज टाइट कर सकते हो। दोनों साइड पे इन्होंने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है। ये ब्लाउज भी काफी ज्यादा यूजफुल है गाइस, क्योंकि पिंक कलर ना मोस्टली सभी साड़ियों के साथ चला ही जाता है, क्योंकि इसमें जो जरी का काम किया हुआ है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और फिटिंग भी बहुत ज्यादा सही आती है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आएगी येलो कलर की ब्लाउज, जिसमें आपको फुल थ्रेड का और सीक्वेंस का काम मिलेगा। इस तरीके से पूरा ब्लाउज में सीक्वेंस वर्क किया हुआ है गाइस। ये भी पैडेड ब्लाउज थी, इसका पैड मैंने रिमूव कर दिया है, और एक बात यह है ना कि इसकी डोरी टूट गई है, मैं जल्दीबाजी में इसे लगा नहीं पाई, तो मैं इसे इसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ, तो सॉरी इसके लिए। और ये आता है ब्लाउज का लुक, पैड जैसे मैंने बताया रिमूव कर दिया, ये भी फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज है। अच्छा, ये ब्लाउज ना मुझे उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि अंदर जो लाइनिंग दी है वो प्योर कॉटन की नहीं है, बहुत ही ज्यादा जैसे टेरिकॉट वाला फैब्रिक होता है ना, वही फैब्रिक इन्होंने दिया है अंदर लाइनिंग में, तो बहुत ज्यादा चुभता है मुझे ये। और प्लस साड़ी प्लस ना ब्लाउज का जो लेंथ है वो भी मुझे काफी ज्यादा छोटी लगती है, तो फिटिंग इसकी उतनी परफेक्ट नहीं आती है। अदरवाइज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बाय कर सकते हो। इसमें मैंने 40 साइज बाय किया है, तो फिटिंग मुझे ठीक ठाक ही लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू मुझे लगता है इस ब्लाउज में। अदरवाइज वर्क वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लाउज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अगेन पिंक कलर की आएगी, और इसे भी मैंने अमेजोन से ही बाय किया है। इसमें मैंने अपना साइज 42 बाय किया है, और इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये भी सिल्क फैब्रिक में ही आएगी, स्लीव्स में आपको जरी वाला पैटर्न मिलेगा, बाकी बीच में पूरा ब्लाउज जो है इसी तरीके से प्लेन आएगा, बैक साइड में आपको डोरी मिलेगा, और नेक का पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्रंट में राउंड नेक मिलने वाला है, और बैक साइड में आपको इस तरीके से नेक मिलेगा। तो ब्लाउज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अंदर लाइनिंग भी इन्होंने कॉटन की दी है, और प्लस आपको अंदर की तरफ कपड़ा भी ये दे रहे हैं, इतना पार्ट आपको दोनों साइड पे मिल रहा है। इसलिए मैंने 500 के अंडर ही बाय किया है, तो प्राइस के हिसाब से मुझे काफी सही ये लगी। नेक्स्ट ब्लाउज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आएगी येलो कलर की, प्रॉपर येलो भी नहीं है, थोड़ा सा मस्टर्ड कलर की ब्लाउज आप कह सकते हैं। तो इसमें भी आपको फुल ये जरी वर्क मिलेगा, राउंड नेक के साथ आएगा फ्रंट का लुक, और बैक में भी आपको राउंड नेक ही मिलेगा। इस तरीके का बैक का लुक आएगा, और बीच में आपको पीछे की तरफ जो है डोरी मिलेगी। फुल इसमें जो है जरी वर्क किया हुआ है, अंदर का जो फैब्रिक है लाइनिंग का वो भी प्योर कॉटन का है, और इसमें भी अच्छा खासा जो है इन्होंने कपड़ा दिया है, इतना पार्ट आपको मिलेगा। तो ये ब्लाउज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये आपकी काफी सारी साड़ियों में चल जाएगी, और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी, 500 के आसपास मिली थी। फिर ना मैंने अपना साइज जो है 42 बाय किया है, थोड़ा सा मुझे लूज हो रहा है, स्लीव्स वगैरह इसकी लूज हो रही है, तो आई थिंक मेरे लिए 40 साइज ही सही होता। तो आप भी देख लीजिएगा, जो भी आपका ट्रू साइज होगा वही साइज आप मंगाइएगा। तो ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छी है, इस प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगेन आएगी पूरी जरी फैब्रिक के साथ, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी ब्लाउज है, और मुझे इसका गलत साइज डिलीवर्ड हो गया है गाइज। ये ब्लाउज को मैंने मंगाया था 40 साइज में, और आप देख सकते हो ये मुझे 44 में मिल गई है,
आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए मैं इसे पहन के भी आपको नहीं दिखा रही हूँ। बाकी ब्लाउज इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, इतना सुंदर इसका फैब्रिक है, ये पूरा आपको जरी का काम मिलेगा, इतना सुंदर लग रहा है ये फैब्रिक ना, बहुत सुंदर सी ब्लाउज है। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बोट नेक वाला इसमें पैटर्न आएगा, ये बैक से ही ओपन होती है, फ्रंट में आपको इस तरीके का पूरा बंद पैटर्न मिलेगा और बैक साइड में इसमें हुक आएगा, इस तरीके से बीच में हुक दिया हुआ है, पूरी ऑल ओवर में आपको जरी का वर्क मिलेगा, अंदर की तरफ आपको बहुत ही अच्छी सी कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग भी दे रहे हैं ये, और साथ में इतना सारा कपड़ा भी आपको एक्स्ट्रा जो है दोनों साइड पे मिल रहा है, इतना पार्ट आपको मिल रहा है। तो ब्लाउज बहुत सही है गाइस, ये भी मैंने 600 के आसपास ही बाय की थी, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस लाइनिंग वगैरह भी इन्होंने बहुत अच्छा फैब्रिक का दिया है, तो मुझे तो ये ब्लाउज बहुत ज्यादा पसंद आई, कलर इसमें काफी सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ब्लाउज जो मैंने बाय की है, ये डार्क ब्लू कलर की ब्लाउज आएगी और इसमें पूरा जरी का काम मिलेगा, फैब्रिक इसका वेलवेट आएगा, बहुत सुंदर सा वर्क किया हुआ है इसमें, इसका नेक का पैटर्न आप देख सकते हो ये आएगा, ये भी फ्रंट ओपन वाली ब्लाउज है और ये भी पैडेड थी, इसका पैड मैंने रिमूव कर दिया है, बैक साइड का गला आप देखो कितना ज्यादा सुंदर सा है। इसमें मैंने 38 ऑल्टरेबल साइज बाय किया था, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करवाना पड़ा, इतना पार्ट जो है मुझे ऑल्टर करवाना पड़ा है, तो बाकी ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छी है, ये भी आपके बहुत काम आने वाली है। इस तरीके से आपको फ्रंट में सारा हुक मिलेगा, बैक साइड में आपको डोरी वर्क भी मिलेगा, फैब्रिक जो है जैसे मैंने बताया वेलवेट है, ये आप देख सकते हो फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में आपको वर्क मिलने वाला है, तो ये ब्लाउज भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसमें भी बस एक इशू मुझे ये लगाना कि इसकी भी लेंथ इन्होंने थोड़ी सी और ज्यादा देनी चाहिए थी, अदरवाइज ब्लाउज बहुत ज्यादा सुंदर है, स्लीव्स में आप देख सकते हो कितना प्यारा सा वर्क किया हुआ है, और इस तरीके की ब्लाउज ना आपके पास होनी ही चाहिए, जो कभी भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी साड़ी को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए आप इस तरीके के ब्लाउजेस का यूज कर सकते हो। तो जितनी भी ब्लाउज मैंने आपको दिखाई है ना गाइस, जरूर चेकआउट करिएगा, जो भी आपको चाहिए वो आप जल्दी जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि साइजेस बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, और सभी में आप अपना ट्रू साइज ही मंगाइएगा तो आपकी फिटिंग वगैरह काफी सही आएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा ब्लाउज कलेक्शन, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरीके की और हॉल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आज का वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।